आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और ईडब्ल्यूएस संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ब्राह्मण समाज परशुराम सेना ने अनुभागीय अधिकारी सत्येंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता, आई प्रमाण पत्र के समान 3 साल करने, आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के प्रथम काउंसलिंग में शेष 1039 पदों पर जनजातीय कार्य विभाग की तरफ भर्ती करने, ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूलों में फीस में विशेष छूट देने, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया सरल करने, मध्य प्रदेश के सीहोर जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति आदेश में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र धारी आवेदकों को भी लाभ दिया जाए, मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय अर्ध शासकीय विभागों संविदा भर्ती पर ईडब्ल्यूएस आवेदकों को आरक्षण का लाभ दिए जाने संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर समाजजनों ने ज्ञापन सौंपा। सुजालपुर से ब्रज राठौड़ की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम साहब सुजालपुर को एक ज्ञापन सौंपकर ब्राह्मण समाज के निर्धन विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की मांग के साथ ईडब्ल्यूएस की कठिनाइयों को दूर करते हुए प्रक्रिया को सरल स्तर प्रदान की जाए, इस संबंध में परशुराम सेना ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा एक मत से पुरजोर मांग की गई। साथ ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष की जाए। जय श्री राम, जय परशुराम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।